नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 5 मिनट में पूरी पानी की बाल्टी गर्म कर कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक आसान तरीका है। मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके से पानी को गर्म करेंगे तो आपका पानी, एक बाल्टी 5 मिनट में पूरी गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक पानी गर्म करने की रोड है, हम इसको वाटर रोड बोलते हैं। ये देखिए, वेनस कंपनी की ये हमारी रोड है और 1500 वाट की है, बहुत कम बिजली खाएगी और पानी को 5 मिनट में इसको गर्म कर देगी। बस मैं जो तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप ये रोड बाल्टी में लगाएंगे, पानी की भरी हुई बाल्टी में लगाएंगे। चलो मैं तरीका बता देता हूं। ये देखिए, ये मेरी पानी की भरी हुई बाल्टी है। कभी कभी क्या करते हैं, ये जो हमारी रोड होती है, ये देखिए, ये रोड को हम यहाँ किनारे पर लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, पानी एक साइड से गर्म होता है और यहाँ यहाँ बीच में ये पानी इससे गर्म नहीं होता है। तो एक साइड में पानी गर्म होगा और ये बाल्टी की जो हमारी प्लास्टिक है वो गर्म होगी, तो पूरा पानी प्रॉपर गर्म नहीं हो पाता। हमारी लाइट ऐसे ही जलती रहती है और ये हमारी रोड जलने का भी ज्यादा खतरा रहता है। तो आपको ये रोड बीच में, यहां बीच में सेंटर में पानी के लगानी है, जिससे ये चारों तरफ से पानी गर्म करे। तो पानी इतनी जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी। और दूसरी चीज ये है, देखिए, ये जो हीटर है, ये वाला हीटर, जब हमारा पानी गर्म होता है और ये रोड हीट होती है, तो इस पे एक परत जम जाती है। ये सफेद सफेद सी, देखिए, एक परत इसके ऊपर जमी हुई है। तो इस परत को उतारने के लिए आप इसको बिजली में बिना पानी के लगाएं। पहले इसको पानी में हल्का सा डुबो लें, ये गीला हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बिजली में लगाएं करीब आधी मिनट के लिए, तो ये पपड़ी मेरी उतर जाएगी। और हम इसको फिर पानी में डाल दें, जब पानी में डाल देंगे तो इसकी पपड़ी उतर जाएगी। इसके बाद हम इसको ऐसे, ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से इसको एक लकड़ी के सहारे बांध सकते हैं और बिल्कुल बाल्टी के बीचों बीच इसको हम रखें। इससे क्या होगा, ये पानी चारों तरफ का हीट होगा और ये 5 मिनट 10 मिनट में पूरी बाल्टी गर्म कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी बिजली की बचत होगी और पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिजली की बचत और पानी बहुत जल्दी गर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिजली को बचा सकते हैं, पानी को बहुत जल्दी गर्म कर सकते हैं, इससे हीट का लॉस नहीं होगा। और आप ज्यादा कर सकते हैं तो ऐसे रखने के बाद उसको आप यहां से ढक दें, जिससे पानी और जल्दी गर्म होगा। ये करीब 5 या 7 मिनट में पूरी बाल्टी इतनी गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा। बाकी तो आपको 3 या 4 मिनट में ये पानी पूरा गर्म हो जाए। आओ अब हम आपको पानी गर्म करके दिखा देते हैं। ये हमने बिजली का बोर्ड लगा दिया है। अब ये हमारी पानी गर्म करने की रोड है। आपको भी किसी एक लकड़ी के फट्टे से बांधना है या एक डंडी से बांध लेना है, जिससे ये बाल्टी में बीचों बीच लटक जाए और बाल्टी के चारों तरफ का पानी, इसके रोड के चारों तरफ का पानी सेंटर में पूरा गर्म होगा, चारों तरफ से पूरा हीट होगा। यदि हम रोड को बाल्टी के किनारे पर लगा देंगे तो बाल्टी गर्म होगी और पानी प्रॉपर अंदर तक गर्म नहीं होगा। तो बहुत टाइम लगता है, ऐसे 10-15 मिनट लग जाएंगे, और जबकि ये भी हमारा 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। तो हम 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं और इसमें 2-3 मिनट के बाद हाथ डालकर देखते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं।
देखिए आओ अब हम इसको हाथ लगा के देख लेते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं। अरे बहुत गर्म हो गया है, ये तो काफी गर्म हो गया है। तो हम 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, पूरी 5 मिनट कर लेते हैं। 5 मिनट में ये इतना गर्म हो जाएगा कि आपको इसमें और पानी मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत अच्छी है, एक लकड़ी के फट्टे के साथ वाटर हीटर की रोड को बांध लेना है और बाल्टी के बीचों बीच लटकाना है, जिससे हमारी बिजली भी बचेगी, पानी बहुत जल्दी गर्म होगा। ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आप भी एक बार अजमा कर देखिए। और जो मैंने ट्रिक बताई है, यदि इसके ऊपर सफेद सफेद परत आ जाती है तो इसको गीला कर कर एक बार बिजली में लगा दीजिए बिना पानी में डाले हुए, तो ये इसके ऊपर की परत उखड़ जाएगी और फिर आपको इस तरीके से ये पानी आप गर्म कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, तो सबको ये ट्रिक अपनानी चाहिए। बिजली बचानी है तो ये ट्रिक आप अपनाओ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और ये वाला तरीका ही अपनाएं कि हीटर रोड को पानी के बीच में रखें, ऐसे लकड़ी से बांध लें, ऐसे खुला ना छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।